भारत माता की जय। सभी लोग थक गए तो समाज अपन जोश में आना है। जब हिंदू समाज की बात की है बात आती है या हिंदुत्व की बात आती है तो हमें हमेशा जोश से भरपूर रहना चाहिए। हम कितने भी थके हो, कितने भी कमजोर हो या कितने भी बुरी परिस्थिति में हो, जब देश और धर्म की बात आती है तो हम सबको मजबूती से एक होना चाहिए। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। इतिहास हमें यह सिखाता है कि इतिहास में जब भी देश का धर्म के लिए कोई भी बात अगर धरती पे आती है तो इतिहास अलग अलग तरीके से धरती पर प्रकट होता है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी एकमात्र ऐसे योद्धा है जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हम देख सकते हैं कि आज देश और दुनिया भर में हिंदुओं की किस तरह की परिस्थिति। दुनिया भर में कई योद्धाओं के, नेताओं के, किसी भी समाज के, धर्म के लोगों के पुतले बनाना सौभाग्य की बात है। जाने के बाद पुतले बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ही एक अंश मात्र योद्धा थे जो जीते जी उनके पुतले बनाए और मूर्तियां बनाने का काम हमारे हिंदू धर्म में किया गया है। तो तमाम लोग वहां पर जितने भी हैं परेशान होते, अरे मंदिर के दर्शन किए
सारे काम की एक औरत होती है, उसका पति मर चुका है, एक छोटा सा उसका महल है, उस महल को आप फेंक रही थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो शिवाजी घायल हुआ उनके साथ में रहने वाले थे, उन्होंने सोचा हमने तो ये बर्बाद करते करते जा रहे, इस सावित्री बाई के इस गीले को भी हम जीतेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम विरासत में देंगे। शिवाजी गायक को जाते हैं और सावित्री देवी देसाई के साथ युद्ध करते हैं, और सावित्री देवी भी हिंदू की बेटी थी, हिंदू की सेवी थी, लड़ी लड़ी लड़ी, पानी का पानी पिलाई। फिर शिवाजी गायक बहुत परेशान, ये तो हारने वाली बात है, हारे फिर संख्या लेकर आए। फिर शिवाजी महाराज के उस अवसर पर उस सावित्री देसाई जी को बंदी किया गया, और जो बंदी करते वक्त जो उसे लेकर जाते हैं तो पलट के उसके राज्य को दिखती है, परेशान होती है, मेरा जो अस्तित्व था वो खत्म हुआ। जब शिवाजी गायक पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सावित्री देसाई को सामने लेकर आते तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसके बेटे को अपने पैर के ऊपर बिठाकर अपने घुटनों के ऊपर बिठा दिए, अपने सिपाही को कहते जाओ पहले इस बच्चे के लिए दूध और चावल का तैयारी करो, उसे खिलाना। एक सिपाही ले जाता है, उसमें दूध पिलाते रहते छत्रपति शिवाजी महाराज। सावित्री बाई देसाई को कहते हैं अरे बहन तू तो मेरी बहन है, एक बहन का घर बर्बाद कोई भाई नहीं कर सकता, एक बहन का घर कोई भाई रुक नहीं सकता। तुरंत शिवाजी गायकवाड़ को कहते हैं कि इसका घर इमीडिएट बनाओ, इसको हमारे हिंदुओं की बहन है, आप इसको इमीडिएट साड़ी और चूड़ियों के साथ इसको नया महल बनाओ, और साथ ही साथ इस बच्चे के भी परवरिश की तैयारी करो। सावित्री बाई देसाई परेशान, अरे ये क्या, मैं तो पत्नी हूं, मुझे तो आप बनकर लेके जाना चाहिए, आप सोच लो ऐसे व्यक्ति की तो बात पूरे देश और दुनिया भर को पता चलना चाहिए। सावित्री बाई देसाई चाहती है तीन पत्थर लाती है, और तीन पत्थरों को एक मूर्ति का आकार देती है, और एक जगह बैठता है छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी महाराज के घुटनों पे उनका भांजा और सावित्री बाई देसाई बाजू ठहरती है। आज वही मूर्ति है जो कर्नाटका के भिलवाड़ देवार के गांव में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है, जीवन मूर्ति है, जो एक मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी मूर्ति है। हम सबको ये जानना होगा कि ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर किस तरह से आया। 19 साल पहले माँ और बहन बेटियों की इज्जत करना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, इतनी आने की सोच। छत्रपति शिवाजी महाराज जब गुजरात के दौरे पर निकले, वहां पर उन्हें पता था अंग्रेज है, कुछ लोग वहां पर है जो हमारे लोगों को परेशान कर ले। गए छत्रपति शिवाजी महाराज, गए उनके साथ युद्ध करे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के हमेशा एक ही थी, कुछ ना कुछ नया करूं, कुछ ना कुछ नया मैं अपने देश को दूं, कभी भी मैं कुछ नया करके बताऊं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के हमेशा सीखा। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं तो वहां पर हीरे जवाहरात मोती उन तमाम चीजों पर नहीं देखते, वो एक ऐसी चीज देखते हैं, वहां पर एक मशीन पड़ी हुई थी और उस मशीन को उठाकर गुजरात से लेके आने का काम करते हैं। गुजरात में तमाम लोग से पूछते हैं कि यह मशीन क्या है, क्या है, क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज उन अंग्रेजों को लेकर बिजाते हैं कि आपने तो मैंने हराया, लेकिन आपकी एक मशीन में लेकर आया हूं, पता नहीं चला यह मशीन क्या है, इसके बारे में बताओ। अंग्रेज कभी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, उन्होंने खुद जवाब दे दिया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुजरात से निकलते निकलते भीमजी पारे को मशीन दे दी और कहा इसके बारे में तुरंत पता करें यह मशीन क्या चीज है। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल पड़े। निकल पड़ने के बाद भीमजी पारे का यह पत्र आता है कि ये जो मशीन है ये मशीन अंग्रेजों ने प्रिंटिंग मशीन के लिए की है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज आश्चर्य होते और कहते हैं हमें तो यही चाहिए, हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे इतिहास को छापने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस मशीन को बनाया और हिंदुस्तान की ओर
छत्रपति शिवाजी महाराज को यह पता था कि हमें जमीन से नहीं समंदर में आने वाले लोगों से खतरा है। हमने कुछ साल पहले देखा कि 26/11 के लिए बंबई ने किस तरह से आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, देखा है ना हम सबने। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो फिर पता चलता है हमें अब एक नई चीज पैदा करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जहाज बनाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो कुतुबगढ़ है अंग्रेज है उनसे पूछते हैं हमें भी जहाज बनाना है, आप जहाज बनाने की कुछ अगर विधि दिए तो हम लोग भी हमारे हिंदुस्तान से जहाज बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज है वो कभी तो बताएंगे नहीं, वो कभी तो बोलेंगे नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बॉम्बे के कल्याण में बम बनाने की फैक्ट्री शुरू की और रत्नागिरी में जहाज बनाने का काम शुरू किया। जो बम हम अफगानिस्तान से लेना चाह रहे थे, जो जहाज हम अंग्रेजों से लेना चाह रहे थे, हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदुस्तान में जहाज बनाने के काम किया। जहाज तो बनाया, जब जहाज पानी में जाता है, जब उसके ऊपर तोप रखती है, जब तोप चलाते हैं तो जहाज तो